तो हेलो फ्रेंड्स, आज अनुराधा किचन में बनने वाला है 10 रुपए के बेसन से स्वादिष्ट कढ़ी की रेसिपी। ये कढ़ी इतनी स्वादिष्ट है कि आप बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं कढ़ी। तो फ्रेंड्स, कढ़ी बनाने के लिए मैंने इस बर्तन में 5 चम्मच दही लेकर अच्छी तरह से इसका घोल तैयार कर लिया। फ्रेंड्स, ज्यादा दही मैंने डालूंगी नहीं तो खट्टी हो जाती है। तो ये देखिए 50 ग्राम बेसन है फ्रेंड्स, तो इसे डाल देते हैं। और ये थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च है फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा जीरा पाउडर है, ये गोलकी पाउडर है फ्रेंड्स, और ये थोड़ी सी हल्दी। तो चलिए अब इसको हम मिला लेते हैं। नमक मैंने अभी नहीं डाला है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए अच्छी तरह से मिल जाना चाहिए, कहीं भी लम्स नहीं रहना चाहिए। तो ये देखिए मेरा अच्छी तरह से घुल चुका है फ्रेंड्स, देखिए कितने अच्छे से घुल चुका है। चलिए इसको साइड कर देते हैं और अपनी गैस पर कढ़ाई चढ़ा देते हैं फ्रेंड्स। और कढ़ाई मेरा गर्म चुका है फ्रेंड्स, इसमें मैं मस्टर्ड ऑयल डालूंगी। तो तेल मेरा गर्म हो चुका है फ्रेंड्स, इसमें आधा चम्मच सौंफ डालेंगे फ्रेंड्स, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कढ़ी का। और 2 से 3 कटी मिर्च है फ्रेंड्स, इसे भी डाल देंगे और इसे भून लेंगे, अच्छी तरह से पका लेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए मेरा पक चुका है। तो अब इसमें मैं पानी डालूंगी फ्रेंड्स, डायरेक्ट कढ़ी का घोल नहीं डालूंगी, इससे बेसन फट सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए पानी डालने के बाद, पानी जब मेरा गर्म हो जाएगा तब मैं कढ़ी डालूंगी। तो ये देखिए मेरा पानी गर्म हो चुका है। तो फ्रेंड्स, चम्मच से अच्छी तरह से चला लीजिएगा तब डालिएगा। तो चलिए इसको अब हम डाल देते हैं फ्रेंड्स, और इसको अच्छी तरह से चला लेते हैं, चलाते हुए पकाना है फ्रेंड्स, नहीं तो ये नीचे बैठ जाएगा फ्रेंड्स। तो ये देखिए मेरा कढ़ी में उबाल आ चुका है और ये अच्छी तरह से पक चुका है फ्रेंड्स। तो अब इसमें हम नमक डालेंगे। पहले मैंने नमक नहीं डाला था फ्रेंड्स, नमक मैंने बाद में इसलिए डाला ताकि ये कढ़ी फटे ना फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने दही ना डाली थी इसीलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसको अच्छी तरह से चला लेते हैं, ये मेरा तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इसको हम साइड कर देंगे और तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, तड़के मैंने कलछुल में सरसों ऑयल लिए हैं फ्रेंड्स, तेल गर्म हो चुका है, इसमें 1 चम्मच सरसों डालेंगे फ्रेंड्स, और 3 लाल मिर्च सूखी है फ्रेंड्स, इसे डाल देंगे, तोड़ना नहीं है। इसी तरह से गोटे डाल दीजिएगा फ्रेंड्स और अच्छी तरह से कड़का लीजिएगा। तो ये देखिए मेरा कड़क चुका है फ्रेंड्स अच्छी तरह से, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है कढ़ी फ्रेंड्स, एक बार जरूर बनाइएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स मेरा कड़क चुका है, तो चलिए अब इस कढ़ी में हम डालने वाले हैं। ये देखिए मेरा तड़का लग चुका है, तो देखिए कितनी अच्छी दिख रही है, और देखने में क्या, ये खाने में भी इतनी स्वादिष्ट होती है, क्या बताएं फ्रेंड्स। एक बार अपने घर पर जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कढ़ी की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक नहीं करना भूलिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय।